सरकार ने हमेशा छोटी सुनवाई की खुशियों को प्राथमिकता दी है, पर इस बार मेरी समझ से वो सामाजिक नियमों का और सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। एक राजा को भी विचारों का, मूल्यों का, रीतियों का आदर करना पड़ता है। रानी साहब, मैं जानता हूं मल्हार सरकार के हाथों कोई भी अनर्थ हो ये आप कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि आप वैसा होने ही नहीं देंगे। रानी सरकार, मेरी बात शायद आपको सुनने में कड़वी लगे, लेकिन रानी साहब, छोटी सुनबाई की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। जब जब बड़े सरकार ने छोटी सुनबाई को आजादी दी है, तब तब हमेशा उन्होंने उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया है। आप तो जानती हैं रानी साहब, मैं बड़े सरकार का ऋणी हूं, उनका सबसे प्रधान सेवक हूं, वफादार सेवक हूं। जरूरत पड़ी तो उनके लिए मैं जान न्यौछावर कर दूंगा, अपने प्राणों की चिंता कभी नहीं करूंगा, लेकिन इस बात में मैं आपके साथ हूं। यहां तो एक एक करके भीड़ जुट गई है अहिल्या की शिक्षा का रास्ता रोकने। अब तो आप कितना ही जोर लगा ले सरकार, इस बार अक्का साहेब आपकी गोल गोल बातों की भूल भुलैया में नहीं फंसने वाली। इसका मतलब अहिल्या अनपढ़ ही रहेगी। आपकी ये बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप हम सब के साथ हैं। मैंने हमेशा बड़े सरकार की इच्छा का मान किया, उनके हां में हां मिलाती आई, लेकिन इस बार सवाल मेरे बेटे के जीवन का, उसकी खुशी का है। बहुत सह लिया खंडे राव ने, एक पराक्रमी योद्धा और कर्तव्य दक्ष शासक का बेटा होने की सजा शुरू से मिल रही है उसे। हमेशा तुलना होती रही, पिता से तुलना होने पर वो बच्चा हमेशा असफल रहा है। पिता से तुलना, ये कोई कम दुख की बात है जो उसे अपने पत्नी से तुलना का सामना करना पड़े? अपने बेटे को ऐसे टूटता हुआ, निराश, उदास नहीं देख सकती मैं। खंडेराव की खुशी, उसके अधिकार, उसके हिस्से की प्रशंसा के बीच में जो कोई आएगा उसे निराश होकर उल्टे पैर वापस जाना ही होगा। पुरानी सरकार, आपने क्या सोचा है, मैं कोई मदद कर सकता हूं? नहीं गंगोबा पंत, हम तीन रानियां उस एक छोटी से बच्ची का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने जिंदगी देखी है, घर संसार चलाया है, अनुभव कमाया है, और यही बात अहिल्या पर भारी पड़ सकती है। द्वारका बाई साहेब, क्या आपको याद है जब आप इस घर में नई नई आई थी, तब
हाथ कंगन को आरसी क्या रानी साहब? मैं अब भी जाके छोटी सुनबाई को लेके आती हूँ, आप सब पहुंच जाइए। यहाँ बैठी है महारानी, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था। हमारी अहिल्या रानी हमेशा वही होती है जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। छोटी सुन भाई, आपको अक्का साहब ने मुख्य कक्ष में बुलाया है। सासू भाई ने? क्यों? हो सकता है आपका इस कमरे तक का रास्ता उस मुख्य कक्ष से होकर आता हो, शायद इसीलिए। म्हणजे? नहीं नहीं, मला माहित नहीं, आपको बुलाया है बस इतना ही पता है। सरकार, खंडेराव को उत्तराधिकारी घोषित करने की जब बात हुई थी तब आपने उसकी परीक्षा लेने की शर्त रखी थी, वो भी ये कहकर कि उत्तराधिकारी का पद एक गौरव है और वो पाने के लिए परीक्षा देनी ही होगी, ताकि जनता भी ये कह सके कि हाँ, इस उत्तराधिकारी की काबिलियत पर हमें भरोसा है। यही कहा था ना आपने सरकार? कहा था। तो फिर उसी तरह एक स्त्री का विद्या प्राप्त करना भी किसी गौरव से कम नहीं। इसीलिए अहिल्या को भी परीक्षा देनी होगी। वो विद्यार्थिनी बन सकती है ये साबित करने के लिए, और ये परीक्षा हम लेंगे। इस परीक्षा में सफल होकर अहिल्या को यह साबित करना होगा कि वो एक बहू के रूप में इस परिवार की हर जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन करने की योग्यता रखती है, तभी तभी उसे शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन रानी साहब, आपने कहा था आपको देखना यह है कि अहिल्या में विद्या ग्रहण करने का गुण है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, यही कहा था सरकार, आप निश्चिंत रहिए। इस परीक्षा में अहिल्या की बुद्धि, उसकी समझदारी, बहू के रूप में उसकी सोच और प्राथमिकता, इन सभी गुणों को परखा जाएगा।
और आप ही तो कहते हैं कि वो एक पढ़ी लिखी बहू बने, तो बस दोनों तरह की काबिलियत को एक साथ ही क्यों ना जांचा जाए। यदि वो परीक्षा देने में असफल रही तो ये साबित हो जाएगा कि ना तो वो अच्छी विद्यार्थिनी बन सकती है ना ही अच्छी बहू। और इसीलिए उसे सुशील बहू की पहचान पहले बनानी होगी। बाकी बात बाद में सोचेंगे। क्या आप बता सकती हैं क्या होगा इस परीक्षा का स्वरूप? जरूर, चार इम्तिहान लिए जाएंगे। हम तीन रानियों ने अपने अपने अनुभवों से सोचा है, या तो ये कह लीजिए कि हम तीन सासू भाइयों ने अपने सुनवाई के लिए सोचा है। और पहला सवाल आज अभी इसी वक्त पूछा जाएगा और उसका जवाब ढूंढने के लिए अहिल्या के पास कल सुबह तक का समय होगा। तो अहिल्या, तुम तैयार हो? रसोई के पास एक कमरा है, तुमने देखा तो होगा, वाड़े में सबसे बड़ा कमरा है जो पूरी तरह से खाली है। एक सुई भी नहीं है वहां। सिक्के से तुम्हें ऐसी कोई एक चीज खरीदनी होगी जिससे वो कमरा पूरी तरह भर जाए। कैसी परीक्षा है रानी साहब? एक सिक्के से ऐसी कौन सी चीज आ सकती है जो इतने बड़े कमरे को भर सके? जाती है इस बच्ची के साथ। चलिए यही सही, लेकिन सवाल तो अहिल्या से पूछा है सरकार, तो उसे ही सोचने दीजिए। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सोच है। एक सुशील बहू का महत्वपूर्ण गुण, परिवार की बड़ी से बड़ी जरूरत को सीमित साधनों में पूरा करना।
अब देखते हैं अहिल्या अपने होशियारी से, प्रतिभा से और दैविक बुद्धि से ये काम कैसे पूरा करती है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक सिक्के में आएगी और जिससे इतना बड़ा कमरा भर जाएगा। शिव जी, मैंने परीक्षा देने के लिए हाथ तो कर दिया पर ससुभाई ने पहली पहली इतनी कठिन दी है, अब मैं इसे बूझूंगी कैसे? नहीं बुझ सकती तुम ये पहेली अहिल्या, और उलझो अक्का साहब से यही होगा। उन्होंने जानबूझकर तुम्हें इतना मुश्किल सवाल दिया है, अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो नहीं दे पाओगी इस सवाल का जवाब। अरे ये तो मैं भी नहीं जानती, इतने बड़े कमरे को ऐसी कौन सी चीज से भर दूं, वो भी एक सिक्का खर्च करके। बाना भाई, परीक्षा आपकी थोड़ी है जो आप सरदर्द पाल रही हैं। अक्का साहेब अच्छे से जानती हैं कि तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। इतनी बार पढ़ाई की जिद करके तो तुमने खुद ही अपना सर ओखली में रख दिया, तभी तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए रखी है परीक्षा वाली शर्त अक्का साहेब ने। अब तो समझ जाओ अहिल्या कि अक्का साहेब तुमसे किस कदर नाराज हैं, और यदि असफल रही तो दोहरी मार पड़ेगी। पहली, तुम्हारी ये जो पढ़ने की जिद है वो धरी की धरी रह जाएगी, और दूसरी, अक्का साहेब का गुस्सा कम नहीं होगा। हमारी सलाह मानो, अक्का साहब के पास जाओ और कहो कि हमने हार मान ली, ये परीक्षा हम नहीं दे सकते और पढ़ाई का तो आगे से हम नाम भी नहीं लेंगे। सुख और चैन की जिंदगी जीना चाहती हो ना अहिल्या, तो ये एक ही रास्ता है, क्योंकि सफल तो तुम होने से रही। लेकिन अगर मैं सफल हो गई तो, सासुबाई की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी, है ना मुश्री सर? सवाल ठीक से सुना ना आपने अहिल्या? जवाब खोज पाओगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और आज एक बात ठीक से समझ लो अहिल्या, अक्का साहेब आपको ऐसा कोई काम कभी करने नहीं देंगी जो होलकर खानदान की किसी सुनबाई ने आज तक नहीं किया, और आपकी ये जो पढ़ने की इच्छा है ये कभी पूरी नहीं होगी, वो भी खंडेराव के साथ। अपने पति से मुकाबला करोगी? अक्का साहेब ये कभी होने नहीं देंगे, याद रखिए।
इसलिए ऐसे सासू भाई ने ये भी तो कहा था कि एक स्त्री को विद्या का अधिकार मिलना बहुत गौरव की बात होती है। फिर ऐसे काम में थोड़ी मुश्किल तो आएगी ना। मुझे पता नहीं मैं परीक्षा में सफल हो पाऊंगी या नहीं, पर हाँ मैं सासू भाई को खुश करने के लिए कोशिश जरूर करूंगी। पता है मेरी दादी क्या कहते? वो कहते कि हार जाओ चलेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कोशिश ही मत करो और हार जाओ, ये तो बहुत बुरी बात है ना। इसलिए परीक्षा तो देनी है मुझे। चाहे जवाब सही हो या गलत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.